श्रीकाल व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहिबा फ्रॉम TCM दिल्ली। सो आज BMW फैमिली का आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि BMW फैमिली से पहली एक ऐसी सेकेंड एंट्री लेवल सेडान है जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्ग व्हील बेस होने वाली है, विच इज़ नन अदर देन BMW 330 Li ग्रैंड लिमोजिन। सो कार की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कार आपको मिलती है TCM दिल्ली पे 2022 मॉडल एंड द कार इज़ ओनली ड्रिवन 2000 किलोमीटर, विच मीन्स द कार इज़ टोटली इन द ब्रांड न्यू कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कार कम्स विद 2 लीटर इन लाइन 4-वॉल टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 255 BHP एंड प्रोड्यूस द टॉक ऑफ 400 Nm। सो नॉर्मल 3 सीरीज से इसमें आपको लेग रूम अच्छा मिलेगा। द कार के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि टोटली चेंज्ड हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द कार एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो एंड मोटिवेट अस टू मेक मोर कंटेंट लाइक दिस। आज चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले देखोगे तो आपको टिपिकल मिलता है BMW किडनी ग्रिल मिल जाती है। अच्छा, ग्रिल में आप ये एलिमेंट अभी देखोगे ना, फिलहाल इट इज़ शट, बट वंस विल मूव द कार इज़ इन द रनिंग कंडीशन तो ये एलिमेंट ओपन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आ जाते हैं इसके हेडलैम्प्स पे। तो हेडलैम्प्स की बात करें, आपको शार्प हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि BMW LED हाई परफॉर्मेंस लैम्प मिलते हैं। सो अब हम आते हैं बम्पर पार्ट पे। बम्पर पार्ट पे देखोगे तो काफ़ी एक मैस्कुलिन से बम्पर लुक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ओवरऑल कार की कंडीशन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको मॉडल ईयर बताया और किलोमीटर्स ड्रिवन बताया, द कार इज़ टोटली इन स्क्रैचलेस एंड ब्रांड न्यू कंडीशन। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसकी व्हील बेस। व्हील बेस के कैसे पता लगता है? सो नॉर्मल 3 सीरीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो यू नो इफ़ यू सी द डोर हैंडल इट वॉज हेयर यू नो इन द नॉर्मल 3 सीरीज, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रैंड लिमो तो इसका कुछ mm का लेंथ बढ़ा दिया गया है। दैट विल एक्सप्लोर वंस विल गो टू द रियर सीट। मूविंग टूवर्ड्स अलॉयज, आपको इंस्टॉक अलॉयज मिल जाते हैं। 17 inches इंस्टॉक अलॉयज हैं जो कि आपको गन मेटल फिनिश में मिलते हैं। देन मूविंग टूवर्ड्स द रेयर प्रोफाइल ऑफ द कार, सो यहाँ पे देखोगे आपको BMW के सिग्नेचर टेल लैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी बल्ज है और इसके अलावा बात करें तो नो पार्ट इज ब्रोकन और स्क्रैच्ड, जैसे कि मैंने आपको कार कंडीशन इनिशियली भी बताई है। यहाँ पे आपको यू नो बम्पर पे कुछ एक लुक एनहांस करने के लिए क्रोम एलिमेंट्स मिल जाते हैं। आपको गाड़ी में मिलता है ट्विन एग्जॉस्ट। सो यहाँ आप देखोगे आपको एज द कार इज पेट्रोल तो यहाँ पे 330 Li का बैजिंग मिलता है, विच इज़ एक्चुअली अ गिवन बैजिंग बाय द BMW टू द पेट्रोल कार्स। सो अब बूट स्पेस की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी मैसिव बूट स्पेस मिलता है, दैट आई कैन शो यू हियर। सो सेकेंड एंट्री लेवल सेडान्स में जाएंगे तो बूट स्पेस का काफ़ी इशू होता है, बट हियर यू गेट द मैसिव बूट स्पेस इन द कार। और इसकी अगर स्टेप हम डोनट टायर की बात करते हैं, हियर यू गेट द डोनट टायर, और जो स्पेस है काफ़ी स्मार्टली यूज हुआ है ताकि आपका बूट स्पेस किल ना हो। यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक टेल गेट, यहाँ पे जस्ट 1 press button यू कैन क्लोज द टेल गेट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सटीरियर व्हाट वी गेट इन द 3 सीरीज और कैसी लुक है। अब एक्सप्लोर करते हैं अंदर से, दिखाते हैं आपको गाड़ी का क्या कंफर्ट है एंड क्या लुक है इंटीरियर वाइज और क्या कंडीशन है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लेग रूम मिला हुआ है, विच इज़ ऑल अबाउट दिस ग्रैंड लिमो। एंड दिस इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ इट कि यहाँ पे आपको ना पीछे का लेग स्पेस जो आपका किल नहीं होता है, बिकॉज जो मोस्टली सेकेंड एंट्री लेवल सेडान्स में ये इशू रहता है। सो लेग रूम काफ़ी अच्छा है। हेडरूम की बात की जाए, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। अब आते हैं डोर पैनल पे, तो आपको सॉफ्ट टच लेदर में ड्यूअल टोन में डोर मिल जाता है। यहाँ पे आप लेदर देखोगे विच इज़ टोटली इन द ब्रांड न्यू कंडीशन। गाड़ी के इंटीरियर कलर की बात करें तो आपको टोटली जो इंटीरियर मिलता है वो टैन इंटीरियर मिलता है विद अ टच ऑफ ब्लैक इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाते हो तो आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट देख रहे हो, इसके ऊपर कितना ब्यूटीफुली एक एम्बिएंट लाइटिंग का स्ट्रोक दिया है जो कि इसका इनर जो इंटीरियर लुक है वो इनहेंस करता है। यहाँ पे कार गॉट गुड म्यूजिक ऑडियो सिस्टम जो कि हमन गार्डन है, वहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। इस डोर पे भी बैजिंग है एंड यू विल गेट द बैजिंग ऑन अदर डोर आल्सो। देन मूविंग टू वर्ड्स, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, आर्म रेस्ट मिल जाएगा।
देन आप आ जाते हैं इसके रेगो एसी वेंट पे। तो यूजुअली आपको एसी वेंट्स मिलते हैं सेकंड एंट्री लेवल सेडान्स में, बट इसमें एसी वेंट नहीं है, इसमें टोटली यू नो एसी कंट्रोल दिया गया है, विच इज़ आपको यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। इनफैक्ट अब आ जाते हैं सीट के कंफर्ट पे। सो अगर रियर कंफर्ट लेवल की बात करें तो आपको फर्स्ट क्लास कंफर्ट लेवल मिलता है, सिटिंग कुशनी है, बकेट सीट्स मिलती हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रियर बैक की बात करें तो स्टिफ बिल्कुल भी नहीं है, तो लॉन्ग जर्नी में आपको कोई इशू नहीं होने वाला। ओवरऑल कंडीशन टॉप नॉच है। रूफ़ की बात करते हैं तो रूफ़ आपको मिलती है बेज इंटीरियर में। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द रियर कंफर्ट। अब आते हैं हम फ्रंट सीट पे और देखते हैं हमें सेम कंफर्ट मिल रहा है और हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सो हियर आई हैव स्टार्टेड द कार। अब आ जाते हैं कार के ड्राइव की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सो द कार इज़ पेट्रोल, तो बिल्कुल साइलेंट आपको यू नो कैबिन मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइव की बात करें, यहाँ 255 bhp की कार है, रॉकेट है, रॉकेट इस लेवल की। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट रो के इंटीरियर की कि हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं डोर पैनल पे। डोर पैनल एज मैंने आपको रियर में एक्सप्लेन करा, ड्यूबल टोन में है, टैन और ब्लैक सॉफ्ट टच लेदर में मिल जाता है। अच्छा, मैंने यही चीज़ अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, यू नो एक पतली सी स्ट्रोक दी हुई है मिल लाइटिंग की, जो कि आप सॉलिड कलर्स में भी यूज़ कर सकते हो और कंट्रास्ट कलर्स भी अपने एडजस्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस MMI। सो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत पतली स्ट्रोक है, जो कि ये ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट है ना, इसकी इंटीरियर लुक और क्लियर बना रहा है। अब आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। सॉफ्ट टच लेदर में डैशबोर्ड मिल जाता है टोटली। देन कमिंग टूवर्ड्स द स्टेयरिंग, तो स्टेयरिंग पे आपको यू नो अगेन सॉफ्ट लेदर टच विद पैडल शिफ्टर्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको यू नो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेयर फॉर द यू नो ओडो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, यहाँ पे स्पीड लिमिट कंट्रोल्स मिलते हैं। देन अब बात करते हैं इसके कॉकपिट की, तो आपको यहाँ पे मिलती है डिजिटल ओडोमीटर, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको मिलती है कॉकपिट नेविगेशन। यहाँ से अब आ जाते हैं हम MMI की तरफ। तो MMI में आपको काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जेस्चर कंट्रोल तो है ही, तो आपको टच स्क्रीन मिलती है टोटली। सो हेयर यू नो ये एक ऐसा पिटार है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, वेदर इट इज़ नेविगेशन, वेदर इट इज़ योर एम्बिएंट लाइटिंग कंट्रोल, कार की व्हीकल हिस्ट्री तक आपको इस MMI में मिलती है। सो कार कितनी एवरेज दे रही है, क्या है, सब कुछ आपको पता लगेगा। आप ओडोमीटर पे भी देख सकते हो, यू कैन लुक इट इन द यू नो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन ऑल्सो। सो आप स्क्रीन से नीचे आएंगे, आपको एसी वेंट्स मिलेंगे सिल्वर फिनिश में, पूरी लाइनिंग दी गई हुई है एक फ्रेमिंग में सिल्वर फिनिश में, बीच में आपको यहाँ पे रॉ वुडन फिनिश में पैनल मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको बैंड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि पियानो फिनिश में दिए हुए हैं। अब आते हैं इसकी कंसोल की तरफ, तो यहाँ पे आपको अगेन रॉ वुडन फिनिश में कंसोल मिल जाता है जो कि डार्क कलर में है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको ट्विन ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एंड ऑल्सो हेयर यू गेट द वायरलेस चार्जर इन द कार। सो अगर इसकी गियर नॉब की बात करें तो काफ़ी क्यूट सा गियर नॉब मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये देखोगे, दिस इज़ ऑल सिग्नेचर BMW यू नो कंट्रोल्स यू यूजुअली गेट अगर आप बात करते हो किसी भी सेडान यू नो सीरीज की, तो मोस्टली आपको ऐसा सा कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक यू नो मैट प्लास्टिक लुक में दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वेदर इट इज़ मीडिया, मैप, नेविगेशन, एवरीथिंग। और इस स्क्रीन को कंट्रोल करने का मेन ऑप्शन यहाँ पर है। देन यू गेट ऑन द यू नो स्टेयरिंग ऑल्सो, और यू कैन ऑपरेट इट एज अ टच स्क्रीन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट रो की आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके सनरूफ की तरफ, तो यू नो यूजुअली आपको ना 3 सीरीज में इतना सनरूफ मिलता था, अगर आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं तो इट वॉज स्मॉल। सो नाउ दे हैव इंक्रीज द सनरूफ लेंथ, तो यहाँ पे आप आराम से देखोगे सो आपको टोटली एक ग्लास लुक वाली फील आती है। नाउ लेट मी करेक्ट कि ये इतना ही सनरूफ ओपन होगा, लेट मी शो यू हियर
जस्ट अ वन टच ओपन, सनरूफ इतना ओपन होगा टोटली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सनरूफ. इसमें ग्लास लुक में आपको सनरूफ भी मिल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट सिटिंग कम्फर्ट इज सेम एज इट वॉज एक्सप्लेन इन द बैक. यहाँ पे आपको यू नो मैनुअल लंबर सपोर्ट मिलता है और यू कैन से नी सपोर्ट मिलता है फॉर लॉन्ग ट्रेवलिंग. अगर यहाँ पे देखोगे सो द सीट्स आर वेरी कुशनी एंड जो बिल्ट है ना एक्चुअली साइड बिल्ट अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो सो यू नो एक ऐसा पोस्चर दिया, मतलब एक ऐसा यू नो डिज़ाइनिंग दी गई है कि आपका बॉडी पोस्चर टोटली सपोर्ट करते हैं और आपको लॉन्ग ड्राइव पे कभी भी थकान महसूस नहीं होती. जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इट वाज मिथ इन पीपल कि BMW की सिटिंग कंफर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है. बट BMW हैव इम्प्रूव ऑल देयर फीचर्स, सिटिंग स्पेस, एवरीथिंग नाउ इन द सेडान. सो यहाँ पे अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है. यहाँ पे अगेन आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा एंड यू कैन कीप योर स्टफ हियर. सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट यू नो BMW 330 Li ग्रैंड लिमो. गाड़ी के इंटीरियर एक्सप्लेन करें, कोई ऐसी कमी नहीं है कि आपको कभी रिग्रेट हो कि आप एक ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें कि आपको लग्जरी फीचर्स नहीं मिल रहे. डिज़ाइन एलिमेंट्स टॉप नॉच हैं, कंडीशन टॉप नॉच है, पावर सिर्फ ये एक ऐसी लौती सेडान है इस एंट्री लेवल सेडान में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जिसमें आपको 255 BHP मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट अब आ जाते हैं कार के एग्जैक्ट डील पे, हमें TCM दिल्ली पे क्या डील मिलने वाली है. सो हियर यू गेट द कार विद दिल्ली रजिस्ट्रेशन. पेट्रोल वेरिएंट है, 15 इयर्स के लिए वैलिड है. देर इज़ नो हैसल फॉर 10 इयर्स विद दिस कार. कार सिंगल ओनर रहने वाली है एंड इट इज़ विद अ क्लीन हिस्ट्री. सो विल बी गोइंग टू सेव 11 lakh फ्रॉम द न्यू कार डील बिकॉज TCM दिल्ली इज़ गोइंग टू गिव यू द डील फॉर 59 lakh विच इज़ अगेन नेगोशिएबल एंड यूल बी सेविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस डील. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर. मीनवाइल हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट अस टू गेट मोर न्यू कंटेंट लाइक दिस. थैंक यू.